अगर आप सूरज जैसा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। जितनी तपिश सूर्य के अंदर होती है उतनी रोशनी वो औरों को प्रदान करता है। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, नवंबर 2024 एक परिवर्तन का महीना, एक विशेष प्रयोजन को सफल कराने का महीना, क्योंकि इस महीने शनिदेव हो रहे हैं मार्ग, साथ ही शुक्र बुध सूर्य महाराज का विशेष परिवर्तन भी इस महीने होने जा रहा। तो क्या है वृश्चिक राशि के लिए खास? जैसे कि आप पर शनि की ढैया चल रही है तो शनिदेव क्या ला रहे हैं आपके लिए विशेष प्रयोजन, चलिए बात करते हैं आज नवंबर 2024 के मासिक राशि। क्या शनिदेव आपकी परीक्षा बढ़ाएंगे या शनिदेव आपको आपके कार्य में सफलता प्रदान? ये कार्यक्रम है आपकी चंद्रराशि पर आधारित। अगर इसको सटीकता से जानना है तो उसको लगन के अनुसार भी देखिएगा, इससे आपको और अच्छे प्रकार से इसका फलादेश प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो शिवम पंडित, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 के मासिक राशि पर। अब थोड़ा सा अपनी नज़र लेकर के आइए आज के इस महीने के राशि के चार्ट, या आपकी राशि का चार्ट। अगर आपकी राशि के भाव पर देखें तो आपके प्रथम भाव पर शुक्र और बुध का प्रभाव है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो आपके लग्न भाव के मालिक हैं मंगल देव, ये भाग्य स्थान पर है। नीच राशि देखो नवम भाव में है, तो यहाँ पर एक बात समझ लो, कोई चिंता नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन, कोई भी चिंता इस महीने आपको रखनी व्यर्थ है। जब गुरु आपके केंद्र में आ रखे हैं और लगन के मालिक भाग्य स्थान में त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो ये महीना आप एनर्जेटिक रहोगे, आप किसी से घबराओगे नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं घबराओगे, किसी खर्चे से नहीं घबराओगे, किसी भी प्रकार के आप रोमांचक भरे कार्य को करने में हिचकिचाओगे नहीं। और आप सभी जानते हो कि जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है उसने रिस्क जरूर लिया है, बिना रिस्क के आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, इनर एनर्जेटिक रहने के कारण से आपकी आंखों में इरिटेशन देखी जा सकती है, क्योंकि अग्नि तात्विकता ज़्यादा बढ़ेगी, मंगल का प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में है देव, और यहाँ पर आपके जठराग्नि, लीवर, डाइजेशन सिस्टम और कहीं ना कहीं एसिडिटी का ज़्यादा बनना, ये थोड़ी चीज़ें देखी जा सकती है। देखो पंचमेश गुरु सप्तम भाव के अंदर ये बहुत ज़्यादा शुभ है। आप किन लोगों के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत टाइम से लव रिलेशन अब इस प्रकार से, क्योंकि राहु भी है पंचम में, अभी हम समझ रहे हैं आपकी बातों को कि पंचम में राहु बैठ करके काफ़ी तनाव आपका रिलेशन में करवा रहे हैं, परंतु इसी के साथ ये बहुत अच्छा समय है उन लोगों के लिए जो जातक अपने विवाह की बात अपने घर वालों से करना चाहते हैं, साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन अपने लव को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसी बात हो सकती है इस महीने। परंतु यहाँ पढ़ाई लिखाई और प्रेम के चक्कर में अपने कामों से आप विमुख हो रहे हैं, चीज़ों से ध्यान आपका हट रहा है और आप अपना एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो मोस्टली टाइम है वो या तो हवाबाजी में या कहीं ना कहीं स्त्री प्रसादन में या कहीं ना कहीं तो अपने आप को आप बिजी कर रहे हो, जो आपके लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु देवता पंचम में बैठ करके ये दिक्कत करवाते हैं और राहु की दृष्टि भी आपकी राशि पर। तो आपसे सभी से गुजारिश है कि इन चीज़ों के चक्कर मत पड़िएगा, करियर को बना लीजिए, करियर और पैसा ये आपके जीवन में आ गया तो सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द ही आई हैं। देखो मन को भटकने से रोकना है, कुछ महीने तक अभी राहु यहाँ पर आपको और परेशान करेंगे, जिन लोगों का नेगेटिव माइंड आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा टेंशन हो रही है, उन सभी को मैं बता दूं कि राहु का उपाय करें, माता सरस्वती की आराधना करें, ये इस महीने में पिछले महीने भी हर महीने बताता हूँ, ताकि आप लोग सजग रहें, जौ जो है वो नदी में प्रवाहित करना प्रारंभ करें, इससे आपके मन में जो नेगेटिविटी आ रही है दूर होगी, ये दुख आप पीड़ा जो महसूस करते हो एकांत में, एकांत में रहने का जो मन हो गया इसी कारण से। अब देखो राहु का उपाय तो करना ही है, साथ ही प्रेम स्वाद की बात सुन लो आप लव रिलेशन को लेकर के, कि कभी कभी बहुत अच्छा होगा और कभी कभी आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, किसी भी अचानक बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी आपने उनको ब्लॉक कर दिया, कभी आपकी तरफ से बातचीत बंद, कभी उनकी तरफ से बातचीत बंद, और ये अभी से नहीं आपके टाइम से चलता आ ही रहा है। जिन लोगों का नहीं हो रहा है उन लोगों को जो टेंशन लेने वाली आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपकी राह की कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र अच्छी स्थिति के अंदर होगा या आपके पंचमेश बढ़िया होंगे, पर जिन लोगों का हो रहा है उनको उपाय करने की आवश्यकता। देखो गुरु स्थिति को सुधारें, कितना भी खराब हो जाए, कितना भी नुकसान की संभावना आपको लगे, देव गुरु बृहस्पति बनाने वाले ग्रह हैं और बृहस्पति की दृष्टि में क्या होता है, अमृत होता है। देव गुरु बृहस्पति यहाँ आपकी हर प्रकार की स्थिति को सुधारेंगे, क्योंकि पंचमेश सप्तम भाव के अंदर, विवाह भाव के अंदर, कारक भाव के अंदर बैठा। 7 नवंबर को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा, द्वितीय स्थान पर शुक्र महाराज आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। शुक्रदेव बृहस्पति की राशि में आएंगे, एक गुरु दूसरे गुरु की राशि में आएगा और बृहस्पति भी शुक्र की राशि में रहेंगे, तो गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन राजयोग भी यहाँ पर निर्मित होगा। जो कुटुंब से या 1 2 3 4 5 6 जो कुटुंब से
और आपका दाम्पत्य जीवन से बन रहा है। तो यहाँ आपके पारिवारिक स्थिति को भी सुधारेंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थिति को भी सुधारेंगे और धनागमन के नई नई शुभ सूचनाएं भी आपको प्रदान करेंगे। 16 नवंबर के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, एकदम अचानक से कुछ भी बड़ा करने से आपको बचना है इस टाइम पीरियड में। अगर आपने क्रोध में गुस्से में कोई चीज बोल दी या कर दी या किसी को कुछ कह दिया तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता को बढ़ाने वाली चीज हो सकती है। यहाँ खुद को गुस्सा और पार्टनर में गुस्सा दोनों में कहीं हद पार कर देना, चाहे वो बोलने की हो चाहे फिर और किसी चीज की, देखी जाएगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु यहाँ इन चीज़ों का उपाय जरूर करना पड़ेगा। देखो, भाग्य करियर व्यवसाय सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए इसको डिटेल चर्चा कर। भाग्य है आपके, भाग्य भाव के मालिक हैं चंद्र महाराज, जो हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते ही हैं। भाग्य पर है मंगल का इस समय प्रभाव। ये मंगल भले ही नीच राशि में हो परंतु चंद्रमा की राशि में है, भाग्य स्थान पर है। एक त्रिकोण का मालिक, लग्न का मालिक त्रिकोण से संबंध बना रहा है, तो इसको खराब बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। भाग्य इस समय बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, भाग्य आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, यानी काम आपके पास चलकर आएगा, आपके खुद के कुछ संकल्प, खुद के प्रयोजन सफल होंगे। जो मेहनत आप करने के बारे में सोच रहे हो, जिस कार्य के बारे में विचार कर रहे हो, जिसके लिए आपका पैसा नहीं आ रहा, आपकी स्थितियां नहीं बन पा रही, ऐसे काम भी आपके होंगे और कुछ भी कर पाने में इस समय सक्षम होंगे आप। कुछ भी जो भी आपने सोच लिया, ठान लिया, वो आप कर पाओगे। राहु की जो दृष्टि है वो भाग्य पर भी है और राहु की दृष्टि वो आपके राशि, इसीलिए आपके काम रुक भी जाते हैं और इसीलिए आप सोचते बहुत हो, बहुत टेंशन लेते हो। तो राहु का उपाय भी यहाँ पर आप करके चलना पड़ेगा। माता सरस्वती की आराधना, ओम ऐम, ओम ऐम, ऐम बीजाक्षर का जाप करना, माता सरस्वती के सामने रविवार को घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ रहेगा। 16 नवंबर के बाद में स्थितियाँ अच्छी होंगी। करियर के दृष्टिकोण से नौकरी के लिए अगर बात करें तो दशमेश सूर्य द्वादश स्थान पर रहेंगे। देखो, महीने के बैठ बाट तक बिल्कुल साधारण तरीके समझ लो, नौकरी में अगर कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हो, लग रहा है कि भाई अब तो छोड़ दें, अब बस अब समझ में नहीं आ रही कि बॉस के साथ हमारी बन क्यों नहीं पा रही, अब तो ऐसा लग रहा है कि बस जाना चाहिए, तो दो चीज़ें समझिएगा। पहला तो लाभ उन लोगों को है जो MNC कंपनी में जाना चाहते हैं, जो नौकरी से सीधा विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, जिनका वीज़ा नहीं बन पा रहा, जो नौकरी के लिए जो विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आपको लाभ मिल रहा है। पर साथ ही जो लोग ऐसी कंपनियों में नहीं है, MNC में नहीं है, अदर कंपनी में है, उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मन जो आपका कह रहा है ना कि छोड़ दो, हट जाओ, ये आपके तनाव को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये कम नहीं करने वाला है। इस स्थिति के अंदर आपको बॉस के साथ में एक तो बना के रखनी पड़ेगी 17 तारीख तक मेन, और काम में कितना भी मन ना लग रहा हो, कितना भी मन ना लग रहा हो, काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, जबरदस्त। 16 नवंबर से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, रिएक्षन मत दीजिएगा, किसी भी प्रकार के षड्यंत्र वाली बातों मत घुसिएगा। नौकरी मिलने की संभावना बन रहेगी इस महीने भी, परंतु कब बनेगी, 17 तारीख के बाद। 17 के बारे में सूर्य आपको सपोर्ट करेगी, आपको अधिकारी वर्ग भी सपोर्ट करना शुरू कर दे, कामकाज की स्थिति भी पहले से थोड़ी बेटर हो जाएगी, प्रोफेशनली हो जाओगे, इमोशनल कम हो जाएगा, प्रोफेशनली ज्यादा हो जाओगे। अब उदाहरण के तौर पर रिश्तेदार आए, अरे भैया हमारा काम कर दो, आपका पता चला किसी भी चीज का काम है, रिश्तेदारी में आप पहले खूब हाँ जी कर देंगे और करने बैठ गए, अपना जो धन कमाने का जो समय है वो उसके लिए लगाया, बाद में क्या मिला, उल्टा आपको दो बातें उसने सुना करके चले गए, इसने तो मेरा काम ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बेकार है कुछ नहीं, यानी कि समय भी गया, मनी भी गई और सामने वाले ने थैंक यू तक नहीं बोला। तो भैया ये चीज़ें बता देते हैं सूर्यदेव कि भाई पर्सनल चीज़ें अपनी जगह है, प्रोफेशनल चीज़ें अपनी जगह है। जब सूर्य आपकी राशि पर आ रहा है तो अपनी, अगर आप काम के लिए आ रहे हो तो अब आप हमारे क्लाइंट हो, मेरे काम का इतना चार्ज होता है, ये दो और अपना काम करवा करके जाओ, सीधा तौर पर ऐसे समझिएगा आप बात को कि सूर्य आपको प्रोफेशनल बन जाओ, बेशरम बना देंगे, जी हाँ बेशरम बना देंगे अपने काम को कराने के लिए, कि करना है करो, नहीं करना है तो आप साइड में जा सकते हो। शुक्र बुध प्रथम भाव में रहेंगे, बुद्धि को अच्छी आपकी बनाएंगे, जो बहुत समय से खराब हो रखी है, कहते हैं कि बुद्धि खराब हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्योंकि राहु देवता का प्रभाव इस प्रकार का होता है। अब बुद्धि के कारक हैं बुध महाराज, जब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो चलवाएंगे, तो दिमाग आपका शांत करेंगे, एक्टिव माइंड बनाएंगे, चीज़ों में सोचने विचारने की क्षमता आपको ऑटोमेटिकली प्रदान करते, एक्टिव और समझदारी तो आपकी बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग के लोगों थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी का इस समय बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, जी हाँ शुक्रदेव सप्तमेश होकर के आपके पहले तो सप्तम भाव को देखेंगे, व्यापार बहुत अच्छा है, बिजनेस को लेकर के बड़ी डील दिखाई दे रही है, बिजनेस को लेकर के अगर कोई व्यापार करने की शुरुआत करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा है, साथ ही दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है।
गुरु भी आपके सप्तम में और सप्तमेश भी गुरु की राशि पर हैं। ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। उपाय की थोड़ी सी चर्चा कर लें। उपाय के दृष्टिकोण से आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए। उपाय के लिए आपको सूर्य का बीज मंत्र जाप करना चाहिए और साथ ही माता सरस्वती की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज्यादा आपके लिए विशेष है ये कार्य करना। एक शुभ सूचना सुन लीजिए, बहुत शीघ्र हमारे यहाँ यानी श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में जो कि हर वर्ष होती है भैरवाष्टमी, वो आयोजन हो रहा है। इस वर्ष भी हो रहा है, हर वर्ष होता है। इसमें आप घर बैठे प्रतिभाग कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। भैरवनाथ की कृपा आपको मिले, आपके विघ्न, आपके संकट, आपके नवग्रहों के दोष और तंत्र मंत्र नजर टोक, क्योंकि कली काल में भैरव आराधना से ये चीजें क्षण मात्र में दूर हो जाती है। आपके बड़ी बड़ी चिंताओं का समाधान क्या पता एकमात्र भैरव पूजन से समाप्त हो जाए। अब ये इसमें कैसे प्रतिभाग कर सकते हैं, कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, तो इसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या फिर स्थान पर आकर के पधारें और अपने आप तन मन धन जैसे भी आपकी व्यवस्था बने सहयोग करें। इस पूजा में बहुत ज़्यादा खास रहेगा क्योंकि कई वर्ष हो गए हैं शक्तिपीठ में ये पूजा, यहाँ शक्तिपीठों का भैरव आराधना जरूर हो।